मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवैध फटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में 4 लोगों की जान जाने के बाद अब प्रशासन हरकत में है। ग्वालियर जिले के सभी थाने में सीएसपी तहसीलदारों को अपने अपने क्षेत्रों में अवैध फटाखा बनाने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने लोहिया बाजार की तेजेंद्र नाथ की गली में अशोक राठौर के घर में छापा मार कार्रवाई की है। वहाँ से 4 बोरे आतिशबाजी बरामद की। एसडीएम के मुताबिक अशोक राठौर के पास आतिशबाजी मार्केट में आतिशबाजी बेचने का लाइसेंस है, लेकिन ये लोग घर में अवैध रूप से आतिशबाजी का भंडारण किए हुए थे, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने अशोक राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, कलेक्टर ने जिले के सभी थाना सीएसपी तहसीलदारों से अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई के आदेश दिए थे, साथ ही 24 घंटे में उन्हें अपने अपने क्षेत्रों से कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसके बाद अगर किसी भी इलाके में अवैध फटाखों का भंडारण पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई थी कि रिहायशी एरिया में ये लोग बारूद से बने सामान रखे हुए, और इस पर पूर्णतः प्रतिबंधित है कि कोई भी आदमी रिहायशी एरिया में बिना लाइसेंस प्राप्त किए ये सामग्री नहीं रख सकता। इसी सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। इन लोगों के सामान, जैसा कि आप लोगों के सामने हैं, ये जब्त किया जा रहा है। कितनी जगह कार्रवाई करी है? बस यहीं ये दुकान है, क्योंकि खलासी के पूरा में भी कार्रवाई हुई है, और यहाँ ये तेजेंद्र नाथ की गली जो है लोहिया बाजार में, इसमें मुरैना में जो हादसा हुआ एकदम उसको दृष्टिगत रखते हुए ही सावधानी के तौर पर करी गई है। और हमारे कलेक्टर महोदय ने भी ये आदेश जारी किया है कि किसी भी रिहायशी एरिया में ये बारूद की सामग्री, बारूद या बारूद से बनी सामग्री नहीं रखी जाए। जो रखता है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसी कार्रवाई के क्रम में हम लोग यहाँ पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से ये कार्रवाई करेंगे। कितने का माल? अभी इसका आकलन तो माल कितने का होगा ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। आपके सामने ये 3-4 बोरे में भरे। कार्रवाई चल रही है और कितने लोग इसमें गिरफ्तारी की गई है? क्या FIR हुई है इन लोगों पर? FIR हुई होगी, लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, और ज़रूरत पड़ी तो हिरासत में लिए जाएंगे। क्या जहाँ मकान रहता था उसके क्या लाइसेंस वगैरह थे कुछ? इन लोगों का लाइसेंस है, लेकिन मेला ग्राउंड में सामान बेचने का लाइसेंस है। ये घर पर रखने के लिए इन लोगों को लाइसेंस नहीं है।